मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لگیانی موجا صدا لائی رکھی سونیا چنگیاں کے مندیاں نبائی رکھی سونیا لگیانی موجا حشر دہاڑے جدوں عملاں نوں تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ وی نہیں بولنا حشر دہاڑے جدوں عملاں نوں تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ وی نہیں بولنا चादर चे आपनी लुकाई रखी सोनिया चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया। नबे सदर तालीम। तालीम से मुराद जानना, समझना, आगाह होना, किसी बात का इदराक करना है। वो तालीम के जब सितारों की गुजरगाहों की गोद से लेकर ज़मीन के सीने में छुपे मादनियात के ख़जाने हो, या समंदर पर मौजूद बुलंदो बाला जहाज हो, या सितारों को या सूरज की शौं को कैद करके तवानाई का हसूल हो। जनाब वाला, ये सब तालीम की मरहून मिन्नत हैं। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बत के रूहे मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली अस्के रूहे मुस्तफा से ऐसी ज़ेबाई मिली। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, फिजा से तुझको बचा के रखूं बहार तुझ पे निसार कर दूं। In the name of Allah, who is most beneficent and most merciful. Today the topic of my speech is education. Education plays a vital role in life of everyone. Getting proper education is necessary to have a peaceful and successful life. Like food is necessary for our body, similarly education is also important for the nourishment of our soul. It develops the personality of people, provides physical and mental standards.
Education brings transparency, stability, good governance, as well as help to fight against graft and corruption. Mere watan ye aqeedate aur pyar tujh pe nisaar kar dun. Mere watan ye aqeedate aur pyar tujh pe nisaar kar dun. Mera jahan tak experience hai ke bacche us tarah cheezon ko serious nahi le rahe. साइंस को ले लें जैसे, असल में बच्चा जब कॉलेज आता है तो जो उसने वो 10 साल 12 साल पहले पढ़ा होता है उसे ये नहीं पता कि मैं फिज़िक्स पढ़ क्यों रहा हूँ, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या मेरे ज़्यादा नंबर आ गए तो मुझे प्री मेडिकल रखना चाहिए. अब वो अपने इंटरेस्ट से हट के चीज़ों को पढ़ रहा है और उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जिसकी वजह से वो आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की रूह नहीं समझ रहा. याद करने की तरफ है, चार लाइनें आ गई हैं. अगर क्वेश्चन चेंज हो गया जैसे कि फेडरल बोर्ड का है कि वो कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वो थोड़ा सा उन्हें इस चीज़ का नहीं है आइडिया कि वो चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं. सबसे पहली चीज़ है ना कॉलेज या स्कूल, वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए. अब बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको अगर आगे भी वही स्ट्रिक्टनेस दी जाएगी जो उनको स्कूल लेवल पर दी जाती है तो बच्चे यहाँ पर खुल नहीं पाएंगे. पहली चीज़ हमारी गलती ये है कि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ हमारे पास चुनिंदा फील्ड्स हैं. जैसे कंप्यूटर की लाइन में चले जाओ, आप इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर नहीं बन रहे तो आप फार्मास्यूटिकल में चले जाओ. ये तीन चार फील्ड्स और अब आके अकाउंट्स वगैरह आ गए हैं, अकाउंट्स या फाइनेंस या बैंकिंग के अंदर आप चले जाओ. बच्चों की सही तरह से काउंसलिंग नहीं की जाती. अगर आप पंजाब कॉलेज वगैरह में जाएँ तो वहाँ पर ज़्यादा फी ओरिएंटेड है. नंबर ऑफ टाइम ये आप कह लें कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास फैकल्टी आपने देखी है फ्रेंडली हैं, उसमें से ये सिस्टम है कि वो आते हैं काउंसलिंग करते हैं. मेरे पूरा स्टाफ माशाल्लाह ऐसा है कि साइड बाई साइड ओवरऑल हमारे टीचर्स भी और मैं खुद भी, इवन के हमारे जो डायरेक्टर साहबान हैं वो भी जब आते हैं तो वो भी हम साइड बाई साइड स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं. इनको कमिंग जो इनके जो व्यूज़ हैं वो आने वाले दिनों में वो हम बताते हैं कि बेटा आने वाला वक्त ऐसा है और आपने इसमें से क्या करना है. बच्चों के हम जो इनके जो आप जैसे आप ये कह लें कि कोई कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मैं इंजीनियर बन, हम इनके ख्वाबों को शेयर करते हैं.